आपको लेना का। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं आजाद नगर उलन मेला। यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं दिल्ली से बहुत अच्छे अच्छे माल लेकर के, और इन्होंने जो रेट दिया है उस रेट को देख करके सभी कस्टमर्स जो है खींचे हुए चले आ रहे हैं, और इनका माल भी अच्छा है, क्वालिटी भी इनकी अच्छी। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका माल कैसा है और किस तरह इन्होंने इतना कम रेट पे जो है सब कुछ मैनेज किया हुआ है और क्या वजह है। तो मुझे आप बताइए कि ये सारे जो जैकेट्स आप बेच रहे हैं जी, तो इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं? भाईजान, हमारे अपने कारखाने दिल्ली में, हम माल लाते हैं, बनवाते हैं, फिर उसके बाद में हमारा गाड़ी के हिसाब से माल आता है पूरा होलसेल में, हम यहाँ से होलसेल भी करते हैं। तो जैसा कि अभी भाई साहब आपको बता रहे थे, ये जो भी यहाँ पे जो इन्होंने माल लाया हुआ है वो सारे होलसेल के माल हैं और इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इस वजह कर इनका रेट बहुत कम है। तो आगे आप लोगों का क्या प्लान है, इस तरह से और भी माल आप लाएंगे? हाँ लाएंगे, आगे भी लाएंगे और आसपास के क्षेत्र में भी लगाएंगे। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि आप लोग रमजान के टाइम पे भी फिर एक और दुकान लगाने वाले हैं, क्या सच है? हाँ लगाने वाले हैं भाईजान, ग्रेडी में लगा हुई है इस टाइम पे, और बाकी देख रहे हैं जगह कहीं और भी जाने की, आसपास में ही आएंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये इनका प्लानिंग है आगे भी रमजान में भी इस तरह का और दुकानें लगाएंगे ये दिल्ली से ला करके, और उस टाइम पे भी ये बहुत सारे माल लाएंगे, और फिर जो है जबरदस्त एक मार्केटिंग होगी यहाँ पे पलावल में, और इसी तरह की और भी दुकानें लगेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका उलन मेला, और यहाँ पे एक भाई साहब और ये आए हुए हैं दिल्ली से और इन्होंने दुकान लगाया हुआ है, और ये आपको बताएंगे कि ये किस तरह से ये सारे आइटम्स जो हैं वो इतने कम रेट पे क्यों ये बेच रहे हैं। तो भाई साहब आप मेरे को ये बताइए कि ये जो सारे अपने जो आइटम्स लगा रखे हैं इनके रेट इतने कम हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये कैसे हो पा रहा है, दूसरे दुकानों में ऐसा माल नहीं मिल रहा? ऐसा है ना, यहाँ पर पलावल वालों की सेवा में हम आए हुए हैं, इसीलिए हम सस्ता करके लगाते हैं यहाँ पर। कोई आपको देखो ये चादर 500 रुपए की चादर मिलती है, हम सिर्फ 300 रुपए में देते हैं। मार्केट में 500 की मिलेगी, यहाँ पर हम 300 की लगा के देते हैं। हम पलावल वालों की सेवा में आए हुए हैं सब यहाँ पर जी। सब सब बहुत कम रेट लगाते हैं हर चीज का, जैसे कि स्टॉल हुआ मार्केट में, एक स्टॉल 350 का मिलता है, तो हम इसको ये आपका स्टॉल यह गया 500 रुपए का आता है मार्केट के अंदर, हम इसे 350 रुपए का देते हैं जी। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत लोग बता रहे हैं कि आप लोग रमजान में भी फिर इधर आने वाले और ईद के कुछ आइटम्स वगैरह लाने वाले हैं, तो ये तो मतलब एकदम तालका मच जाएगा ना हजारीबाग में। हम ईद पर आएंगे, ईद पर बहुत सारा सामान लेकर आएंगे, जैसे लेडीज सैंडल और लेडीज सूट वगैरह, प्रिंटेड सूट सब चीज़ लेकर आएंगे यहाँ पर, और कुर्ते पजामे और रेडीमेड, मतलब बहुत सारी दुकानें लाएंगे, क्रॉकरी का सामान, सभी आइटम लाएंगे रमज़ान के महीने में पलावल वालों के लिए सेवा में, सभी आइटम लाएंगे हम लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भाई साहब अपना नाम आप बता दें जरा। जी हमारा नाम है समीर। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई आपका, और जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे ये आजाद नगर उलन मेला का जो है एक दुकानदार भाई साहब आपका इंटरव्यू दे, आइए दूसरे और दुकानदारों से हम मिलते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं। हम लोग के भी जी, हम लोग खरीदे वाले हैं जी, हम लोग के भी आना चाहिए पार्टी के अंदर, हम लोग खरीदे वाले, हम लोग के भी चाहिए जी। क्या बोलो गोल्डन भाई, आप आना चाहते हैं तो एक फाइल आप मानस कीजिए हमेशा के लिए।
और आइए यहाँ पे हमारे शकील भाई ने भी दुकान लगाई है, बहुत जबरदस्त इन्होंने जो है लेडीज आइटम का दुकान लगाया है, इनसे मिलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम। और बताइए शकील भाई, आपने ये जो दुकान लगाई है तो इसमें रेट्स वगैरह का बड़ा मार चल रहा है कि भाई लोग बोल रहे बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है, तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप ये सब रेट्स वगैरह? एकदम सही बात, आपने जो सुना वो सही बात सुना, एकदम सबसे चीप रेट में हम लोगों ने मार्केट में मतलब दाम खोल रखा है। जैसे ये कुर्ती देखिए, ये कुर्ती जो मार्केट में 250 की है, ये हम लोगों ने ये आपका 200 रुपया का कुर्ती बेची, मात्र 200 में दे रही है, इसमें कोई भी कुर्ती बहुत सारी है, बहुत सा कलर है, सब 200 रुपया का है, ठीक है। फिर आप ये देखिए, ये आपका नाम देखिए, ये 350 की दिखा रहे हैं ये, जबकि ये 275 में यहाँ पे दे रहे हैं, और ये गर्म कुर्ती है, गर्म कुर्ती है, रेट तो बहुत रेट को देखकर के चलना, रेट बहुत ये आपने जिस तरह से रेट लगा रखा है तो टाउन में ऐसा नहीं मिलता, और आप यहाँ पे जो है आजाद नगर में और पिलावल में इस तरह का रेट आपने रखा हुआ है, तो बहुत लोग जो है बहुत ताज्जुब कर रहे हैं कि ये कैसा कर रहे हैं। सही बात, ताज्जुब कर रहे हैं, और लोग आ भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, पसंद करके जो है सामान ले भी रहे हैं। और शकील भाई, कुछ लोग बता रहे थे कि रमजान में भी आप लोगों का प्लान है कि ईद के टाइम पे तो एकदम मैंने तहलका मचाने वाली, यूपी वाले भी भाई सब बता रहे थे। हाँ नहीं, सही आपने सही सुना है, हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग जो है रमजान में एक महीना जो मौका है, तो हम लोगों ने सभी लोगों ने बात किया दुकानदार से, रमजान में इसी तरह का जो हम लोग जो है पूरी तरह से मार्केट लगाएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिलहाल में बहुत अच्छी तरह से ये रमजान में मार्केट लगेगी सूट पीस का, यानी सारे वैरायटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अभी शकील भाई बता रहे थे कि रमजान में भी इनका जबरदस्त प्लानिंग चल रहा है, और इन्होंने लेगिंग्स वगैरह भी बहुत बढ़िया मंगवाया है, जो है लेगिंग्स जो है बहुत चीप रेट, मतलब मार्केट से 50-25 रुपए कम रेट में बेच रहा है, 140-150 में वो लेगिंग्स है, ये सब पैंट है 170 रुपये का, जो मार्केट में 200 रुपया बिक रही है, ये 200 वाली लेगिंग्स ये जो है 170 में बेच रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ मकला दीजिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील भाई, माल खत्म कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई। तो आइए एक दो दुकानदारों से और भी इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा है, कैसा इनका मार्केटिंग, क्या स्ट्रेटजी इन्होंने बना रखी है, ये पूछते हैं कि ये क्या इन्होंने किस तरह से माल लाया है और क्या ये बेच रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद यूसुफ हुसैन उर्फ मिंटू। तो यूसुफ हुसैन साहब, ये बताइए कि आपने जो जूते की दुकान लगाई है तो ये सब किस रेट का है, क्या इसमें प्राइस है? ये सब जो है ये 600-700 रुपए की जूती है, ये हमने सेल में 300 रुपए में लगाए हैं, लेडीज जो है वो 150 रुपए करके लगाए हैं, 500-700 की लेडीज को हाफ रेट हाफ दाम में बेच रहे हैं, ये बढ़िया दुकान की माल है सब। तो जिस तरह से रेट आपने इतना सस्ता रखा हुआ है तो लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि यार इतना कम रेट कैसे होगा, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कोई ऐसे कट माल है, कोई क्वालिटी वगैरह कोई कंप्रोमाइज है, तो ऐसा तो कोई नहीं है? नहीं वैसा कोई बात नहीं, ये लॉकडाउन में हमारी दुकान ईद में जो है बंद थी, तो वो बच गए, एक एक दो दो पीस जो बच जाती है लाके हमने यहाँ सेल में लगा दिया। बहुत अच्छा बहुत, तो इसमें मतलब कि ये क्वालिटी है इसमें सब? इसमें क्वालिटी, ये सब दुकान के आइटम इस सब में पूरी क्वालिटी है। तो इसी तरीके से आप और भी ये दुकान जो आपने लगाया तो क्या आगे भी चलता रहेगा ये? जी ये जब तक है, ये लोग तो रमजान के महीने में भी सब कदर के बाद बोले हम लोग आके यहाँ पर इसी तरह का मेला लगाएंगे, और ईद के शुभ अवसर पर अनेक तरह का सामान आधा रेट में बेचूंगा, ये लोग सब आने वाले हैं, और ये एक बढ़िया मेला लगने वाला है यहाँ रमजान के समय में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहमान जरूर लगेगी, और ये भाई साहब के सदके में हम लोगों के भी बिक जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा देखा आपने अभी, ये हमारे जो है जूते वाले भाई साहब थे यूसुफ साहब, ये बता रहे थे कि रमजान में भी ये जो है मेला इनको लगाने का इनका प्लानिंग है, और ये जबरदस्त तरीके से ये मार्केटिंग चलता रहेगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि अभी हमने आपको दूसरे जगह भी दिखाया था, ये हमारे एक दिल्ली के भाई साहब आए हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? जमील अहमद। ये जमील अहमद साहब हैं जो इन्होंने दुकान लगाया हुआ है दिल्ली से लाकर के, और आपने जो आइटम्स यहाँ पे लगा रखे हैं तो इनके दाम इतने कम है, लोग सब हैरान है भाई, ये इसे इतना कम रेट में इतना अच्छे माल कैसे आप दे रहे भाई? ये हमारे यहाँ से छूट है कि सस्ते में लोगों तक माल पहुंचना चाहिए, लोग जो ज्यादा महंगा देते हैं उस मतलब बहुत से लोगों पर पैसा इतना नहीं होता जो कि बढ़िया सौदा ले सकें,
तो देखिए इन्होंने जो है गरीबों के लिए और हमारे मोहल्ले के जो आज़ाद नगर, पिलावल, रोमी, इन सब के लिए जो गरीब फैमिलीज हैं जो गर्म कपड़े नहीं ले सकते, तो उनके लिए इन्होंने जो है एक इंतज़ाम कर रखी है और एक सस्ते रेट पे एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं जी। अब और एक चीज़ बताएं आप, आगे भी आप लोग क्या इसी तरह दुकान रखेंगे या फिर? इंशाल्लाह आगे तक भी ऐसे ही दुकान है जी। अच्छा, रमजान में भी सुन रहे आप लोगों का कुछ प्लानिंग है क्या? अल्लाह पूरा इंतजाम है कि रमजानों में भी यहीं रह आकर दुकान लगाएंगे। माशाल्लाह, तो जैसा देखा आपने कि रमजान में भी इनका प्लानिंग चल रहा है और रमजान में भी इसी तरह की और दुकानें लगेंगी यहाँ पे, और इसी तरह के और वीडियो देखते रहने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल आर्यन मिट्स। हाँ, अभी तक जो है इरादा हमारा ये है कि जनवरी फरवरी दोनों महीने ये यहीं काटेंगे और उसके बाद में अगर हम चले भी गए तो इंशाल्लाह रमजानों के टाइम में यहाँ आ जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर।